नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं जो फ्रोजन यानी कि फ्रीज हो जाता है आपके जब स्क्रीन में मॉनिटर में आप हमेशा देखते होंगे। ये प्रॉब्लम एनालॉग HD में तो नहीं आती, लेकिन अक्सर ये प्रॉब्लम आपको IP कैमरे में देखने को मिलती है। IP कैमरे में क्या होता है कि कभी कभी आप देखते होंगे कि कुछ कैमरे के जो पिक्चर वो स्टिल हो जाते हैं, यानी कि फ्रीज हो जाते हैं, बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं, ना वो हिलता है ना वो मूव करता है। थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद फिर वो नॉर्मल व्यू में आ जाते हैं। तो अब ये चीज़ें लाइव व्यू में आपको देखने को ज़्यादा मिलती होंगी, बट आपके प्लेबैक यानी कि रिकॉर्डिंग में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती होंगी। लेकिन सवाल यह है कि धीरे धीरे यह परेशानी बढ़ती जाती है और अंततः यह आपके रिकॉर्डिंग में भी देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है कि 1-2 सेकेंड का भी अगर ट्रिप हुआ तो अगर भगवान ना करे कि कुछ ऐसे मिस हैपनिंग हो तो आपकी वो रिकॉर्डिंग जो है वो मिस हो जाएगी, जिसके कारण कैमरा लगाना आपके लिए बेवजह बेकार हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करें आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले ये प्रॉब्लम कहां पर होती है, ये प्रॉब्लम किस तरह के कंडीशन में होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो NVR POE इनबिल्ट वाले होते हैं, POE स्विच वाले होते हैं, उसमें यह समस्या अक्सर देखने को मिलती है। तो अगर आप, क्योंकि आपको पता है कि अलग से POE स्विच नहीं लगा है, जो आपके NVR की स्ट्रेंथ है उस हिसाब से चल रहा है, तो अगर काफ़ी डिस्टेंस में कैमरा अगर लग गया तो फिर वहाँ पर बिटरेट के इश्यूज हो जाती है और आपका कैमरा सपोर्ट नहीं करता है, आपका NVR रिसीव नहीं कर पाता उस सिग्नल को। तो इस कारण से भी यह समस्या देखने को मिलती है। साथ में उसे पावर भी देना पड़ता है उसी NVR को, जो कि POE इनबिल्ट है, तो यह समस्या इस कारण भी देखने को मिलती है। इसके अलावा मैक्सिमम यूज ऑफ राउटर्स, बहुत ज्यादा आपने राउटर का यूज किया या फिर POE स्विच का यूज किया है, 4, 5, 6, 7, 8 आपने कई POE स्विच लगा दी बगैर गीगा स्विच के। तो अगर आप गीगा स्विच आपको लगाना है तो फिर आप ज्यादा POE स्विच लगा के कोई फायदा नहीं है MB वाले, आप गीगा स्विच लगा दीजिए, कम POE स्विच रहेंगे तो यह समस्या देखने को बिल्कुल कम मिलेगी। इसके साथ साथ वाईफाई NVR में भी यह समस्या काफ़ी देखने को मिलती है। तो इस 3 तरह की कंडीशन में यह समस्या देखने को मिलती है। और अगर आपका नॉर्मल रेगुलर NVR है, POE इनबिल्ट वाला नहीं है, तो उसमें भी यह समस्या देखने को मिलती है। तो चलिए अब जानते हैं कि इसका कारण क्या है, इसका कारण और समाधान दोनों चीज़ें समझेंगे। प्रॉब्लम देखिए क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हार्ड ड्राइव का प्रॉब्लम होता है। जी हाँ, अगर आपके हार्ड ड्राइव में कुछ एरर है या फिर पावर सही से नहीं जा रहा या सर्विलेंस हार्ड डिस्क आपने यूज नहीं किया तो आपको यह समस्या देखने को मिलती है। तो यह एक कारण है। दूसरा, आपके लैन वायर में प्रॉब्लम होता है, आपके केबल में प्रॉब्लम होता है या फिर उस पोर्ट में प्रॉब्लम होता है जिस पोर्ट से आप NVR में इन कर रहे हैं उस IP कैमरे के, तो इस कारण से समस्या देखने को मिलती है। इसके साथ साथ आपका फ्रेम रेट का इश्यूज होता है, फ्रेम रेट के साथ साथ आपका बिट रेट की भी समस्या होती है, और इसके साथ साथ IP कैमरे का फर्मवेयर और आपके NVR के फर्मवेयर के कारण भी ये चीज़ें होती है। तो ये कुछ कारण है। अब देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या किया जा सकता है। तो सॉल्यूशन मेरे हिसाब से सबसे पहले तो आप हार्ड डिस्क को हटा दीजिए, हार्ड डिस्क से कनेक्टर को निकाल दीजिए, उसके बाद आप चेक कीजिए कि आपका NVR में जो है सही तरीके से आपका IP कैमरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अगर नहीं दिख रहा, अगर दिख रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अगर फिर भी समस्या हो रही तो आप नेक्स्ट स्टेप को देखें, आप IP कैमरे को दूसरे NVR या फिर दूसरे पोर्ट में और दूसरे केबल के द्वारा जो है ट्राई कीजिए, वहां पर देखिए क्या समस्या। अगर वहां पर सब कुछ ठीक है तो आपके केबल में प्रॉब्लम है या फिर उस NVR के पोर्ट में प्रॉब्लम है जहां पर वो IP कैमरा इन हो रहा है। तो ये दोनों चेंज करके देखिए, इससे आपको समस्या का समाधान मिल सकता है। कभी कभी केबल के कारण या पोर्ट के खराब होने के कारण ये समस्या देखने को आपको मिलती है। इसके साथ अब एक बहुत बड़ी बात, फ्रेम रेट को अगर बढ़ा देते हैं तो पिक्चर क्वालिटी अच्छी आती है, फ्रेम रेट को कम कर देते हैं तो फिर वो जो है आपकी पिक्चर क्वालिटी सही नहीं आती। इस केस में क्या करना है कि फ्रेम रेट को हाई करना, फ्रेम रेट कम नहीं होने चाहिए, फ्रेम रेट को हाई करना है और बीट रेट को आपको कम करना है। याद रखिएगा, बीट रेट भी आप कम कर दीजिए, फ्रेम रेट भी कम कर दीजिए, तो समस्या का समाधान नहीं होगा, प्रॉब्लम धरी के धरी रह जाएगी। आपको फ्रेम रेट जो है बढ़ाना है, हाई करना, और बीट रेट को कम करना है, ठीक है। इसके बाद आप अपने IP कैमरे को रीसेट कर दीजिए, IP कैमरे को रीसेट कर दीजिए। रीसेट करने के बाद देखिए कि क्या यह समस्या आ रही है। अगर फिर यह समस्या आ रही है तो आप अपने IP कैमरे के फर्मवेयर को चेंज कीजिए और फिर देखिए, अगर फिर भी यह समस्या आ रही है तो आपको NVR का फर्मवेयर को चेंज करना होगा, अपडेट करना होगा। अल्टीमेटली लास्ट सॉल्यूशन तो फर्मवेयर ही होता है। तो ये कुछ तरीके हैं। तो निश्चित तौर पर आपके NVR में जो फ्रीज हो जाता है, कोई भी पिक्चर कोई भी इमेज स्टिल खड़ी हो जाती है, वो खड़ी
नहीं होगी और आपको एक स्मूथ पिक्चर मिलेगा और आपको एक बेहतर पिक्चर क्वालिटी भी देखने को मिलेगी, जिस कारण से काफ़ी समस्या देखने को मिलती है और आईपी में यह प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती है और आने वाले समय में यह प्रॉब्लम और बढ़ेगी, क्योंकि आईपी कैमरे को मैक्सिमम यूज़ किया जा रहा है आने वाले समय में और भी किया जाने लगेगा। इस कारण से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप अभी से समझ लें तो आपको बाद में आसानी होगी। उम्मीद करता है वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद।